तो हेलो गाइस, इसका तुम्हारा भाई एकदम मजबूत अपडेट से। तो आज हम बात करने वाले एलविश यादव के बारे में। तो क्या एलविश यादव को किसी की तरफ से कोई थ्रेट मिला? अब कल ये वाली न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लगी कि एलविश यादव से किसी ने 1 करोड़ रुपए मांगे। आप देख भी सकते स्क्रीन पे ये आता पोस्ट जिसमें बताया जा रहा है कि एलविश यादव से 1 करोड़ रुपए कुछ लोगों ने मांगे। और इसी पे कुछ लोग बोल रहे कि ये वाली न्यूज पुरानी है, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख भी सकते जिसमें डेट लिखा हुआ है 25 नवंबर। अब एलविश की अपडेट ले ही लिए तो चलो फुकरा की भी ले लेते, क्योंकि भाईचारा ऑन टॉप। तो रिसेंटली फुकरा इंसान का आकांक्षा पूरी के साथ कुछ स्कूटर चल रहा है या ये फेक न्यूज स्प्रेड किया जा रहा है, क्योंकि जब ये वाली न्यूज आकांक्षा पुरी के पास पहुंचती है तो वो टोटली इसको फेक बता देती है। अब पता नहीं क्यों मुझे ये सब फेक न्यूज स्प्रेड करने में आकांक्षा पुरी का हाथ लगता है, क्योंकि रिसेंटली इसी सेम न्यूज पोर्टल ने एक और न्यूज छापी थी जिसमें ये शिव ठाकरे के साथ आकांक्षा पुरी का लव ट्रायंगल चल रहा है ये बता रहे थे। और इसी पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सब काम आकांक्षा पुरी की पीआर टीम का है, जिससे आकांक्षा पुरी हाइप में आ सके फुकरा इंसान के नाम की वजह से। और इसी के बाद बात करेंगे मन्नू पंजाबी के बारे में। तो मन्नू पंजाबी ने रिसेंटली एक स्पेस में बताया कि उनके फेवरेट इस टाइम बिग बॉस 17 में कौन कौन है। ये भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मुनव्वर एफर्ट कर रहा है, विकी एफर्ट कर रहा है, अंकिता जेन्युइनली जहां स्टैंड लेना होता है वहां ले रही है, और खानजादी एक मतलब अजीब दिमाग वाली है। तो ये इसीलिए करेक्टर्स मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहे हैं ये चारों। That's all my point. मेरा तो गाइस अब आगे बढ़ के बात करते हैं रैंडम सेने के बारे में। तो रिसेंटली रैंडम सेने का अकाउंट जो सस्पेंड हो गया था वो वापस आ गया, पर उसी के बाद रैंडम सेने अपने स्टोरी में अपने फैंस से एक रिक्वेस्ट करते हैं। अब वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं खुद ही देख लीजिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, बात को समझो। वो पेज एक बार डिसेबल करवा चुके हैं, महाकाल की कृपा से हमारा पेज वापस आ गया, लेकिन ये किस्मत हमेशा बार बार अच्छी नहीं रहेगी। प्लीज़ बैकअप अकाउंट पर स्विच कर लो, फॉलो रिक्वेस्ट भेज दो प्लीज़, इट्स टोटली फ्री। एटलीस्ट काम पसंद है तो फॉलो कर लो। सारे भाई जितने भी सुन रहे हैं फॉलो कर लो, इग्नोर मत करो। 3 लाख कर दो एटलीस्ट हिंदूज प्रहार सेना पे। तो इसी के बाद बात करते हैं मनीषा रानी के बारे में। तो रिसेंटली मनीषा रानी बिलासपुर में एक शो में गई थी जिसमें शायद से इसके पहले एलविश यादव आके गए हैं। तो जैसी मनीषा रानी आती है उनका एक गाना बजता है। अब उस गाने को प्ले करके तो आप लोगों को नहीं बता सकता मैं, पर उस गाने के एक लाइन बजने के बाद ही एलविश यादव का गाना लगा दिया जाता है। और जो एनर्जी मनीषा रानी के गाने पे बजने पे थी लोगों में, उससे ज्यादा एलविश यादव का गाना बजने के बाद लोगों में आ गई। तो इसी को देखते हुए वहां के एंकर ने एलविश यादव का गाना बंद करवाया और बोले सिर्फ मनीषा रानी का ट्रैक बजाओ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब मारो यार। तुम्हारे एक सब्सक्राइब मारने से बहुत मोटिवेशन मिलती है, पर आप मारते नहीं हो, तो प्लीज एक लाइक मार के चले जाना, मैं लाइक देख के खुश हो जाऊंगा।